हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीएमए इंटर पेपर नंबर 10 कॉस्ट एंड एफएम के एक चैप्टर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम आज उसका एक रिवीजन करेंगे। तो देखिएगा, आप सभी जने हेडिंग डालेंगे चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पेपर 10 कॉस्ट एंड एफएम। देखिएगा, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटिटी फॉर अरेंजिंग द फंड्स फॉर देयर बिजनेस। देखिए, अगर एक कंपनी को अपना बिजनेस रन करना है, स्मूथली बिजनेस रन करने के लिए उसे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। और वो जहां से भी कैपिटल को अरेंज करेगी, उस कैपिटल को अरेंज करने के लिए उसे क्या देना पड़ेगा? उसे कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी। तो यानी अगर मैं ये बोलूं कि एक कंपनी फंड को अरेंज करने के लिए क्या करती है, जो कॉस्ट इनकर्ड करती है उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, मीनिंग, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड फॉर अरेंजिंग द फंड्स फॉर बिजनेस। बोलिए, क्लियर? बिल्कुल। यानी मुझे अपने बिजनेस में फंड अरेंज करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ेगी उसे मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ अगर मैं इसी मीनिंग को दूसरे टर्म्स में बोलूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाता है, यानी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो वो अपने दिमाग में एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने डिवेंचर इशू किए और मैंने उस कंपनी के डिवेंचर खरीदे, तो मुझे डिवेंचर के इन्वेस्टमेंट पर एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होगी। अब जरा सोचो, अगर मुझे कोई मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो कंपनी को मेरे लिए वो रेट ऑफ रिटर्न कम से कम कमानी पड़ेगी। तो यानी अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक और भाषा में डिफाइन करूं, यानी एक और तरीके से, दूसरे वे में, तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज दैट मिनिमम, इट इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मस्ट बी अर्न बाय एंटिटी टू सेटिस्फाई देयर फंड प्रोवाइडर्स
इट इज दैट मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच मस्ट बी अर्न बाय द एंटिटी टू सेटिस्फाई देयर फंड प्रोवाइडर्स. यानी मेरी बात ध्यान से सुनना. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए, फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स, ए लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर्स. नाउ व्हाट डज इट मीन कि कंपनी को अपने डिवेंचर होल्डर को 10% क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट. तो कंपनी को भी तो कम से कम 10% कमाना पड़ेगा ताकि वो अपने फंड प्रोवाइडर को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. तो यानी अगर मैं आपको ये बोलूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक कंपनी के द्वारा फंड को अरेंज करने की कॉस्ट को बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये कंपनी की उस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बताएगा जो कंपनी को कमाना पड़ेगा, उस मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बताएगा जो कंपनी को कमाना पड़ेगा जब एक कंपनी फंड को अरेंज करने जाए ताकि वो अपने फंड प्रोवाइडर को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. तो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. टाइप्स, कंपनी कैन अरेंज funds from A, debentures denoted by KD, B, preference shares KP, C, term loans that is KT, D, इक्विटी शेयर्स यानी KE और रिटेन्ड अर्निंग्स यानी KR. कंपनी को फंड अरेंज करने के लिए ये कुछ फॉर्म्स अवेलेबल हैं. कंपनी बाय इश्यूइंग डिवेंचर्स क्या कर सकती है, फंड अरेंज कर सकती है. कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा फंड अरेंज कर सकती है. कंपनी टर्म लोन के द्वारा फंड अरेंज कर सकती है और कंपनी इक्विटी शेयर्स के द्वारा फंड अरेंज कर सकती है. एंड देन कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स के द्वारा भी फंड अरेंज कर सकती है. तो हमारे पास ये कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स हैं. अब हम वन बाय वन इनको निकालना सीखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स. कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स या डेट, इसको हम डिनोट करते हैं केडी से. देखिएगा, कंपनी अगर डिवेंचर्स के द्वारा फंड अरेंज कर रही है तो या तो वो डिवेंचर्स रेडीमेबल हो सकते हैं या वो डिवेंचर्स इररेडीमेबल हो सकते हैं.
या तो वो डिवेंचर्स रेडीमेबल डिवेंचर्स, या वो डिवेंचर्स हो सकते हैं इररेडीमेबल। अगर आपके डिवेंचर्स रेडीमेबल डिवेंचर्स हैं तो देखिएगा केडी हम कैसे निकालेंगे, आई वन माइनस टी, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है उस पर आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट, प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू इंटू 100। फॉर्मूला क्या बनेगा, आई वन माइनस टी आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू। आई का मतलब होगा इंटरेस्ट अमाउंट, टी का मतलब क्या हो गया टैक्स रेट, आरवी का मतलब होगा रिडम्पशन वैल्यू या ऑब्लिक मैच्योरिटी वैल्यू, यानी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन हम जो पे करेंगे। एनपी का मतलब होगा नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स मतलब जब एक कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को उन डिवेंचर के इशू करने पर जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी, यानी कंपनी कितने समय बाद, कितने इयर्स के बाद क्या करेगी, अपने डिवेंचर्स को रिडीम्ड करेगी। तो फॉर्मूला बना आई वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन टू इंटू 100। अगर यही डिवेंचर इररेडीमेबल है तो आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाय एन पी इंटू 100। ठीक है, तो यानी अब हमें सबसे पहले क्या निकालना सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड। लिखेंगे हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स कैसे निकालोगे। देखिएगा नेट प्रोसीड का जो बेसिक मतलब है वो क्या है, जब एक कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है तो डिवेंचर के इशू पर उसे क्या क्या रिसीव होगा। तो देखिएगा सबसे पहले उसे मिलेगी फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, आपने जितनी भी फेस वैल्यू का डिवेंचर इशू किया होगा वो आ जाएगा, प्लस प्रीमियम ऑन इशू, अगर इशू के टाइम पर कोई प्रीमियम है तो वो भी आपको मिला होगा, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू, अगर डिवेंचर इशू करते समय कोई डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज,
प्रिंटिंग एक्सपेंसेस अदर कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट भी आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अच्छा, कई बार आपको ये जो सारे इश्यू एक्सपेंसेस हैं इनको एक नाम दिया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। इनको क्या बोला जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो आपको जितनी भी फ्लोटेशन कॉस्ट दी गई है वो नेट प्रोसीड निकालते समय आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देना है। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड आ जाएगी, दैट इज अवर नेट प्रोसीड्स, दिस इज अवर नेट प्रोसीड्स। तो ये लीजिए, यानी एक बार वापस से हम समराइज कर दें, अगर एक कंपनी ने फंड डिवेंचर्स के द्वारा लिया गया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या बोलेंगे, के डी बोलेंगे। और डिवेंचर्स दो तरह के हो सकते हैं, रेडीमेबल और इरेडीमेबल। रेडीमेबल क्या होंगे, जिनको आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या कर दोगे, रिडीम्ड कर दोगे। और इरेडीमेबल वो होंगे जिन पर कोई रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको रेडीमेबल डेट की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आई वन माइनस टी आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन टू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, आई का मतलब इंटरेस्ट, टी का मतलब टैक्स रेट, आरवी का मतलब रिडम्पशन वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, यानी रिडम्पशन के टाइम पर हम जो पे करेंगे। एनपी का मतलब होगा नेट प्रोसीड, एन का मतलब होगा नंबर ऑफ इयर्स टू मैच्योरिटी। अगर किसी कंपनी ने इररेडीमेबल डिवेंचर इशू किए हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा आई वन माइनस टी अपॉन एनपी इंटू हंड्रेड। नेट प्रोसीड निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मेट रहेगा, सबसे पहले डिवेंचर की फेस वैल्यू, इशू पर अगर कोई प्रीमियम है तो वो ले लोगे, अगर इशू पर डिस्काउंट है तो वो ले लेंगे, देन जितने भी इशू करते समय हमारे खर्चे हुए हैं हम उन सभी खर्चों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि एट द टाइम ऑफ इशूइंग द डिवेंचर्स हमें टोटल अमाउंट कितना मिला है। क्लियर बिल्कुल? तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। चले आगे बी पार्ट, अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी केपी। देखिएगा, अगर एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करके फंड अरेंज किया है, ये होंगे आपके रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर होंगे इररेडीमेबल। या तो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या इररेडीमेबल, समझिएगा। अगर रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक तो डिविडेंड जाएगा प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू इंटू सौ। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो डिवेंचर्स में इंटरेस्ट था और उसको हमने नेट ऑफ टैक्स किया था, लेकिन अगर एक कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की हमारी जो कॉस्ट है वो डिविडेंड की आती है और डिविडेंड ऑलवेज आफ्टर टैक्स होता है, तो इसलिए इसको आप नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिविडेंड आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन टू। अगर ये इररेडीमेबल है तो केपी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू सौ।
डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. नोट, इफ इन द क्वेश्चन सीडीटी या डीडीटी, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज ऑल्सो गिवन, देन डिविडेंड अमाउंट मस्ट बी इंक्रीज्ड, मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय डीडीटी ऑब्लिक सीडीटी. अगर हमें क्वेश्चन में सीडीटी या डीडीटी का की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो हमारी जो ये डिविडेंड की कॉस्ट है, या तो ये डिविडेंड की कॉस्ट या ये जो डिविडेंड की कॉस्ट है, इसे इंक्रीज कर दिया जाएगा सीडीटी के अमाउंट से. नोट, सीडीटी ऑब्लिक डीडीटी विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड ऑन ऑन डिविडेंड अमाउंट. ये जो सीडीटी या डीडीटी है वो किस पर निकाला जाएगा? डिविडेंड पर. जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आपको दे रखा है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, रुपीस 1000 है, रिडम्पशन वैल्यू दे रखी है 10% प्रीमियम पर, एन दे रखा है 5 years, इश्यू एक्सपेंस आपको दे रखे हैं 4% ऑन फेस वैल्यू, सीडीटी दे रखा है 10%, और टैक्स रेट दे रखी है 30%. नाउ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस निकालते समय अगर हमें सीडीटी की रेट दी हुई है, तो सीडीटी का अमाउंट डिविडेंड के अमाउंट पर निकलेगा, और डिविडेंड की कॉस्ट को सीडीटी के अमाउंट से क्या कर दिया जाएगा? इंक्रीज कर दिया जाएगा. यानी व्हाट डज इट मीन? नाउ केपी इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100. पहले हम सारी वैल्यू निकालते हैं. डिविडेंड कितना है देखिएगा ध्यान से, 10% डिविडेंड है 1000 के ऊपर, तो 100 रुपए हो गया, तो डिविडेंड तो हो गया 100. इसमें प्लस कर दूंगा सीडीटी 10%, तो यानी 100 तो ये हो गया प्लस 10 का सीडीटी, तो मेरी डिविडेंड की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 110. दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ सीडीटी. अगर क्वेश्चन में सीडीटी की रेट दी हुई है, हम इमीडिएटली अपने डिविडेंड अमाउंट को सीडीटी के अमाउंट से बढ़ा देंगे, तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो डिविडेंड की तो कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, साथ में क्या होगा, सीडीटी की कॉस्ट भी कंपनी को इनकर्ड करनी है. तो नाउ व्हाट डज इट मीन? अब हमारे पास डिविडेंड तो हो गया 110
प्लस रिडम्पशन वैल्यू आ गई 1100 माइनस एनपी निकालना है। तो देखिए 1000 इसमें से माइनस कर दोगे 4%, तो 1000 माइनस 40, केवल एक ही इश्यू एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4% ऑन फेस वैल्यू। तो यानी अगर 1000 रुपए का डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं उस पर 4% यानी 40 रुपए मेरा खर्चा हो जाएगा, तो मेरी जो नेट प्रोसीड बनेगी वो 960 माइनस 960 डिवाइडेड बाय 5 होल डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 960 अपॉन 2 इंटू 100। तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। देखिएगा 110 प्लस ये वैल्यू आ गई 1100 माइनस 960 डिवाइडेड बाय 5 28 डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 960 डिवाइड बाय 2 यानी 1030 इंटू 100। तो ये आ गया 110 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 1030, तो ये आ गई 13.40%। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल हो गई। बोलिए क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी थर्ड पार्ट पर हम बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल डिनोटेड बाय के। देखिएगा देयर आर फोर मेथड्स टू कैलकुलेट के। देयर आर फोर मेथड्स टू कैलकुलेट के। डिविडेंड यील्ड मेथड, पहला मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड, यानी जब एक कंपनी एक कांस्टेंट रेट से, जब एक कंपनी एक कांस्टेंट रेट से क्या देती जा रही है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 5 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है और यही 5 रुपए का डिविडेंड पे करती रहेगी फॉर एवर, यानी डिविडेंड में किसी भी प्रकार के ग्रोथ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो उस मेथड को हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड, या जिसको हम बोल सकते हैं नो ग्रोथ मॉडल ऑफ डिविडेंड। यानी कंपनी अगर 5 रुपए का डिविडेंड दे रही है तो वही 5 रुपए का डिविडेंड कंपनी फॉर एवर तक देती रहेगी। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के ई इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। एक चीज आज आप बिल्कुल रिमेंबर कर लें, पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी कोई मेथड यील्ड पर बेस्ड होता है तो यील्ड का मतलब होता है उसका मार्केट के अकॉर्डिंग डेटा, यानी यील्ड रेट हमेशा किस पर बेस्ड होती है, मार्केट पर बेस्ड होती है। तो यानी अगर डिविडेंड यील्ड मेथड में काम में ले रहा हूं तो फॉर्मूला लगेगा डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। सेकंड, अर्निंग्स यील्ड मेथड, अर्निंग्स यील्ड मेथड, जब केई की कैलकुलेशन ईपीएस के आधार पर की जाए तो फॉर्मूला बनेगा ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। दिस मेथड इज कॉल्ड एज अर्निंग्स यील्ड मेथड। तो केई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100, ईपीएस डिवाइडेड बाय
बोलिए, क्लियर? बिल्कुल तीसरा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। द थर्ड मेथड इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, यानी जब एक डिविडेंड में कुछ ग्रोथ अज्यूम की जाए। देखिए, हर इन्वेस्टर ये चाहता है कि उसे जो डिविडेंड मिल रहा है वो ईयर टू ईयर बेसिस पर क्या होता रहे, इंक्रीज होता रहे, ना कि उसे एक कॉन्स्टेंट डिविडेंड मिले। तो जब एक डिविडेंड में ग्रोथ अज्यूम कर ली जाए तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। देखिएगा फॉर्मूला, के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100 प्लस जी। फॉर्मूला क्या बनेगा, डी वन डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100 प्लस जी। नाउ व्हाट डज इट मीन, ये फैक्टर पूरा परसेंटेज में आ गया, तो आपको जो ग्रोथ रेट है वो एज इट इज परसेंटेज में जोड़नी है। आपके पास ये, जैसे ही आपने इस फैक्टर को मल्टीप्लाई बाय 100 किया, ये परसेंटेज में आ गया और ग्रोथ रेट भी परसेंटेज में होगी, तो आप उस ग्रोथ रेट को डायरेक्टली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नाउ जरा इस के इंपैक्ट को देखेंगे, इसकी टर्म्स को। डी वन का मतलब होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड, डी वन का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑब्लिक डिविडेंड टू बी पेड ऑब्लिक नेक्स्ट डिविडेंड। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेक्टेड डिविडेंड या डिविडेंड टू बी पेड या नेक्स्ट ईयर डिविडेंड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसे डी वन ले लेंगे। अच्छा जी, अगर नहीं दिया हुआ है तो डी वन कैसे निकाला जाएगा, डी जीरो वन प्लस ग्रोथ रेट, डी जीरो वन प्लस ग्रोथ रेट। डी जीरो का मतलब होगा लास्ट डिविडेंड, डिविडेंड जस्ट पेड, डिविडेंड जस्ट पेड, करंट ईयर डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशो, डिविडेंड अगर आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई पॉइंट दिया गया है तो उसे हमेशा डी जीरो मानोगे, और उस डी जीरो में आप क्या करोगे, ग्रोथ को अज्यूम करोगे, ग्रोथ ऐड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट डिविडेंड निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी 5 रुपए का डिविडेंड दिया एंड द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 10%, तो हमारा जो नेक्स्ट डिविडेंड बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5.5। तो इस फॉर्मूले में मुझे क्या करना है, डी वन को काम में लेना है, और D1 का मतलब होगा एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या मिलेगा, यानी अगर मुझे लास्ट डिविडेंड 5 रुपए मिला है तो उस 5 रुपए में मैं 10% अगर ग्रोथ ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो डिविडेंड आएगा वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड आ जाएगा। ठीक है, G का मतलब होता है ग्रोथ रेट, G या ये जो G मैं यूज कर रहा हूं, दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रोथ
रेट, देखिएगा जनरली ग्रोथ रेट विल ऑलवेज बी गिवन इन क्वेश्चन, आपको ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दे दी जाएगी, लेकिन अगर ना दी जाए तो कंपनी की ग्रोथ कैसे ढूंढोगे आप? अगर आपको ग्रोथ रेट ना दी जाए तो हम कंपनी की ग्रोथ रेट को ढूंढ भी सकते हैं, तो ग्रोथ रेट होता है बी इंटू आर। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है क्वेश्चन के डेटा से आइडेंटिफाई करना। कई बार क्या होगा, ग्रोथ रेट डायरेक्टली गिवन नहीं होगी, लेकिन आपको बी और आर के रेस्पेक्ट में हिंट दी हुई होगी। अगर आपको बी और आर के रेस्पेक्ट में हिंट दी हुई है तो हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। बी का मतलब होता है रिटेंशन, रिटेंशन रेशो। नाउ व्हाट डज इट मीन? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि मैंने अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है। देखिएगा हम ग्रोथ किससे कमाते हैं? इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं। आप जैसे जैसे पैसा रिटेन करते जाओगे और उसे री इन्वेस्ट करते जाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी जो अर्निंग्स है वो 100 रुपए है और मैं उसमें से 60% का डिविडेंड दे देता हूं, तो जो पैसा मैंने डिविडेंड के रूप में दे दिया उसे तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो किसको मिल गया? शेयर होल्डर को। तो मेरे पास कितना बचा? 40%। मेरे पास जो बचा उसी को मैं क्या नाम दे रहा हूं? रिटेंशन रेशो। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? रिटेंशन रेशो, अर्निंग्स का वो हिस्सा जो मैंने अपने पास बचाकर रखा हुआ है उसे हम बोलते हैं रिटेंशन रेशो। तो रिटेंशन रेशो को मैं कैसे बोल सकता हूं? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। 1 मतलब मेरी टोटल अर्निंग्स, तो अर्निंग्स में से जितने हिस्से का, अर्निंग्स में से जितने हिस्से का मैंने डिविडेंड दे दिया तो वो तो मेरे पास से चला गया, तो जो बचा वो मेरे पास क्या कहलाएगा? वो मेरे पास रिटेंशन रेशो कहलाएगा। और आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ऑब्लिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन में इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल है तो केयरफुल रहें। इट मे बी पॉसिबल कि आपको ग्रोथ रेट डायरेक्टली न देकर वो ये डेटा दे दे, और अगर वो ये डेटा देगा तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ रेट को कंप्यूट करना पड़ेगा बी इंटू आर से। क्लियर? बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक तीसरा मॉडल हुआ, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसका फॉर्मूला क्या लगेगा? डी वन अपॉन एमपीएस इंटू 100 प्लस जी। बस D1 का मतलब है वो डिविडेंड जो फ्यूचर का होगा या एक्सपेक्टेड होगा। अगर एक्सपेक्टेड दे रखा है तो डायरेक्टली यूज करेंगे,
अगर एक्सपेक्टेड नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे उसको इनडायरेक्टली, क्लियर बिल्कुल। एंड द लास्ट वन, CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, द फोर्थ मेथड टू कंप्यूट KE The fourth method to calculate KE is CAPM model. देखिएगा ये एक specific formula है, KE is equal to RF plus beta RM minus RF. KE का formula है RF plus beta RM minus RF. RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. B स्टैंड्स फॉर बीटा वैल्यू, B स्टैंड्स फॉर बीटा वैल्यू, यानी देन RM का मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. तो हमारे पास स्पेसिफिकली ये सारा डेटा गिवन होगा और हम इससे क्या कैलकुलेट कर लेंगे KE, RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा वैल्यू और RM. कई बार क्वेश्चन में आपको एक कंबाइंड वैल्यू दी हुई होगी RM माइनस RF के नाम से, जिसको हम डिनोट करते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम. कई बार आपको क्या होगा क्वेश्चन में RM और RF, मतलब RM न देकर एक बेसिक डेटा दे देगा कि मार्केट का इतना रिस्क प्रीमियम चल रहा है. तो अगर आपको क्वेश्चन में रिस्क प्रीमियम का डेटा दिया हुआ है तो रिस्क प्रीमियम बेसिकली डिनोट करता है RM माइनस RF को. तो ये आपके पास RF हो गई रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा वैल्यू और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न. मैं वापस से बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना. कई बार आपको एक टर्म दे दी जाती है के ही निकालते समय मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो ये जो आपका आरएम और आरएफ है इसी को क्या बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम. इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं और उससे हम क्या निकाल सकते हैं अपना के ही कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर बिल्कुल. अच्छा कई बार एक और बात होती है जो आरएफ है ना वो भी आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होती है. आरएफ का मतलब होता है एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है. यानी कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस में क्या होगा समझना, इसको दिया जाता है टी बिल रेट के नाम से, टी बिल रेट यानी ट्रेजरी बिल्स रेट. जो टी बिल्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं जिन पर किसी भी प्रकार की कोई रिस्क
अवेलेबल नहीं होती है तो उसे टी बिल रेट, या फिर आपको दिया जाएगा आरबीआई की इंटरेस्ट रेट, या आपको दे दी जाएगी जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स की जो रेट होगी। तो कई बार आरएफ भी डायरेक्टली गिवन न होकर क्या होंगे, आपको एक टर्म के रूप में दे दिए जाएंगे। टी बिल की रेट आरएफ मानी जाएगी, आरबीआई रेट आरएफ मानी जाएगी, और जीओआई बॉन्ड्स की रेट को भी क्या माना जाएगा, आरएफ माना जाएगा। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल। तो यानी ये हमारे पास केई निकालने के चार मेथड हो गए। एक बार वापस से देख लें, पहला फॉर्मूला है डिविडेंड यील्ड, यानी जब आपके पास डिविडेंड में किसी भी प्रकार की ग्रोथ अवेलेबल नहीं है तो डिविडेंड यील्ड मेथड फॉर्मूला बनेगा डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। अर्निंग्स यील्ड मेथड यानी ईपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100। देन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यानी D1 डिवाइडेड बाय MPS इनटू 100 प्लस G। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल D1 अपॉन MPS इनटू 100 प्लस G। इसमें D1 का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड या नेक्स्ट डिविडेंड। जो कैसे निकालोगे, अभी करंट में जो डिविडेंड है अगर उसमें मैं क्या ऐड कर दूं, ग्रोथ ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या हुआ हो जाएगा, D1 आ जाएगा। ठीक है? कई बार क्वेश्चन में ग्रोथ रेट गिवन नहीं होगी तो उस केस में मैं ग्रोथ रेट कैसे निकालूंगा, बी इंटू आर के फॉर्मूले से निकालूंगा। बी का मतलब होगा रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब होगा रिटर्न, कि हम उस पैसे पर किस रेट ऑफ रिटर्न से अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है? एंड द फोर्थ वन इज सीएपीएम मॉडल। द फोर्थ वन इज सीएपीएम मॉडल, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, आरएफ कई बार इन नामों से गिवन हो सकती है, और दूसरा आरएम माइनस आरएफ को वो एक पर्टिकुलर नाम देगा, मार्केट रिस्क प्रीमियम। नाउ देखिएगा, अब आप एक बात अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा, आपके पास ये जो तीन फॉर्मूले हैं, डिविडेंड यील्ड, अर्निंग्स यील्ड और डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, इन फॉर्मूलों में तीनों में डिनोमिनेटर पार्ट में एमपीएस यूज हुआ है, डिनोमिनेटर में एमपीएस यूज हुआ है। दो ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर एमपीएस, अच्छा पहले एक और बात कर लें, ये जो एमपीएस है, यहां मैं एक नोट डाल देता हूं तीनों के लिए, नोट एमपीएस मस्ट बी नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंसेस, नेट ऑफ यानी अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इक्विटी को इश्यू करने के खर्चे दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, आपको एमपीएस को नेट ऑफ करना पड़ेगा। यानी आप क्या करोगे, एमपीएस में से माइनस कर देंगे इश्यू एक्सपेंसेस, एमपीएस में से माइनस कर दोगे इश्यू एक्सपेंसेस। ठीक है? आपकी जो एमपीएस है वो नेट ऑफ इश्यू एक्सपेंस आएगी। क्लियर? बिल्कुल। नाउ अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकालने में एमपीएस का यूज हो रहा है, लेकिन दो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम एमपीएस यूज नहीं कर सकते क्योंकि एमपीएस इज नॉट अवेलेबल। दो सिचुएशंस हैं जहां पर एमपीएस अवेलेबल नहीं होगी। अब समस्या है, अगर एमपीएस अवेलेबल नहीं है तो अब हम केई निकालते समय क्या करेंगे। तो एक और हम छोटे से पॉइंट को डिस्कस करते हैं, केस वेयर
एमपीएस इज नॉट अवेलेबल, अगर मेरे पास किसी भी क्वेश्चन में केई निकालते समय एमपीएस अवेलेबल नहीं है, तो फिर अब हमें उस क्वेश्चन में केई निकालते समय क्या करना? देखिएगा, इन केस ऑफ फर्स्ट इशू, इन केस ऑफ फर्स्ट इशू मान लीजिए हम जिस कंपनी के लिए केई कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंपनी अपना पहला इशू लेकर आ रही है। अब अगर वो कंपनी अपना पहला इशू लेकर आ रही है तो उसकी एमपीएस अवेलेबल ही नहीं हो सकती आपके पास, क्योंकि आपका पहला इशू आया है, तो पहला इशू है तो एमपीएस अवेलेबल नहीं होगी। तो उस केस में आप क्या करोगे, एमपीएस की जगह हम नेट प्रोसीड फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, हम एमपीएस को रिप्लेस कर देंगे किससे, नेट प्रोसीड से। क्योंकि अगर एक कंपनी पहला इशू लेकर आ रही है तो आपके पास उसकी एमपीएस अवेलेबल नहीं होगी, अगर एमपीएस अवेलेबल नहीं है तो हम एमपीएस को रिप्लेस कर देंगे किससे, नेट प्रोसीड से। और दूसरा, इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, नाउ अगर मान लीजिए हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं वो एक अनलिस्टेड कंपनी के लिए निकाल रहे हैं, अब अगर कंपनी इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, देखिएगा किसी भी कंपनी के शेयर्स की एमपीएस तभी ढूंढी जा सकती है जब वो कंपनी लिस्टेड हो, अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हम उसकी एमपीएस नहीं ढूंढ सकते। अब वो अनलिस्टेड है, नया इशू नहीं है, अनलिस्टेड है, तो क्या करेंगे, इस केस में हम एमपीएस को रिप्लेस कर देते हैं बुक वैल्यू पर शेयर से, बुक वैल्यू पर शेयर से। अब बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एमपीएस को रिप्लेस कर देंगे बुक वैल्यू पर शेयर से। तो केई निकालते समय हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है, अगर एमपीएस अवेलेबल नहीं है तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ये कंपनी पहली बार आई है यानी अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी का पहला इशू है, तो एमपीएस की जगह हम सभी फॉर्मूलों में नेट प्रोसीड्स को यूज करेंगे, क्लियर। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये पहला इशू है और फिर भी एमपीएस नहीं है, आप समझ रहे हो, अगर पहला इशू है तो एमपीएस होगी नहीं तो नेट प्रोसीड, लेकिन अब क्वेश्चन में नया इशू नहीं है यानी पहला इशू नहीं है, एक कंपनी जो है वो एग्जिस्टिंग है यानी ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, अब अगर ये कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और फिर भी इसकी एमपीएस नहीं है तो इसका मतलब ये कंपनी एक अनलिस्टेड कंपनी है, और अगर ये कंपनी अनलिस्टेड है तो मार्केट प्राइस के बजाय अब मुझे बुक वैल्यू पर शेयर को मुझे यूज करना पड़ेगा।
तो बुक वैल्यू पर शेयर इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो लीजिए, आज के लेक्चर में हमने एक रिवीजन लेक्चर में केडी यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करना सीखा। ठीक है, थैंक यू।